संगीत में ताल किसे कहते हैं? संगीत में ताल का मुख्य स्थान है। वास्तव में ताल ही संगीत का आधार है। जिस प्रकार मानव शरीर में प्राण तत्व का अभाव हो जाए तो वह मिट्टी के समान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार संगीत में ताल का अभाव होने से संगीत निष्प्राण हो जाता है। भारतीय संगीत में ताल परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। ताल लय को दर्शाने की क्रिया है। ताल शब्द की उत्पत्ति के विषय में कई मत प्रचलित हैं। प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ संगीतार्णव के अनुसार तांडव पुरुष नृत्य से ता तथा लास्य स्त्री नृत्य से ल वर्णों के संयोग से ताल शब्द बना है। दामोदर कृत संगीत दर्पण ग्रंथ में वर्णित है कि ताल शब्द ताकार शिव तथा लकार शक्ति के योग से बना हुआ है। ताल शब्द की उत्पत्ति से संबंधी ऐसे कई लक्षण प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं, परंतु सभी ग्रंथों में एक ही भाव है। शब्दों ता तक भी आदि द्वारा काल या समय की गति को छंद या पदों में विभाजित करने के जो प्रयोग हुए हैं उन्हें ही ताल कहा जाता है। संगीत रत्नाकर के अनुसार ताल वह है जिसमें नृत्य वाद्य एवं गीत प्रतिष्ठित रहते हैं। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है व्यवस्थित करना, स्थिरता प्रदान करना। भरत मुनि के अनुसार संगीत में काल मापने के साधन को ताल कहते हैं। जिस प्रकार भाषा में व्याकरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार संगीत का मुख्य पहलू ताल है। संगीत में ताल की आवश्यकता, बिना ताल के संगीत अधूरा होता है। ताल के बिना स्वरों का आनंद हृदय में उल्लास का सृजन करने में असमर्थ होता है। यदि मानव अनिबद्ध तालविहीन संगीत ही सुनता रहे तो हृदय में उदासीनता आने लगती है। दूसरी ओर जैसे ही ताल शब्द एवं स्वरों का समन्वय होता है, हृदय में उल्लास आ जाता है। संगीत में छंद तथा ताल ही वास्तव में स्वरों को गति प्रदान करते हैं। ताल संगीत को एक निश्चित नियम या समय के बंधन में बांधती है। ताल ही संगीत में विभिन्न सौंदर्यपूर्ण चलन शैलियों का विकास करती है। ताल संगीत को अनुशासित कर उसके सुगठित रूप एवं चमत्कारिकता से श्रोताओं को आत्मा विभोर करती है। ये ताल ही है जिसके द्वारा प्राचीन तथा वर्तमान संगीत को स्वर तथा बोल लिपि द्वारा भविष्य के लिए सुरक्षित रखना संभव हुआ है। ताल की संरचना। ताल संरचना के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की तालों का वर्णन मिलता है जो निम्न प्रकार हैं। एक संपदी ताले, दो विषमपदी ताले। संगीत में संपदी ताल किसे कहते हैं? इन तालों में सभी इस प्रकार की तालें आती हैं, जिनके पद समान होते हैं, अर्थात जिनके हर एक विभाग में मात्राओं की समान संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उन्हें संपदी ताल कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तालें आती हैं। सूल ताल, इसके पांच विभागों में दो दो मात्राओं को रखा गया है। एक ताल चार ताल, इसके छह विभागों में दो दो मात्राओं का विभाजन किया गया है। तीन ताल, इसके चारों विभागों में चार चार मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। कहरवा ताल, इसके दोनों विभागों में चार चार मात्राओं का प्रयोग किया गया है। दादरा ताल, इसके दोनों विभागों में तीन तीन मात्राओं का प्रयोग किया गया। विषमपदी ताल किसे कहते हैं? इसके अंतर्गत वे सभी तालें आती हैं, जिनके पद असमान हो, अर्थात जिनके विभागों में अलग अलग दो प्रकार की मात्राओं एवं संख्याओं का प्रयोग होता हो, उन्हें विषमपदी ताल कहते हैं। विषमपदी तालों को अर्धसंपदी ताल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तालों का प्रयोग किया जाता है। छपताल, इसके चारों विभागों के अंतर्गत तीन चार मात्राएं आती हैं,
झूमरा, दीपचंदी ताल, इसके विभागों के अंतर्गत तीन चार मात्राएं आती हैं। मिश्रदी तालें, इसके अंतर्गत वे सभी प्रकार की तालें आती हैं, जिनके हर एक विभाग में बहुत सारी पृथक मात्राओं एवं संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जिसके विभागों में कभी भी एक समान मात्रा नहीं मिलती है, उन्हें मिश्रदी ताल कहते हैं। जैसे धमार ताल, इसके चारों विभागों के अंतर्गत 5, 2, 3, 4 मिश्रदी ताल भी कहा जाता है। पृथक पृथक मात्रा संख्या का विभाजन किया गया है, इसलिए यह मिश्रदी ताल भी कहा जाता है। आगे आने वाले लेख के लिए हमारे चैनल म्यूजिक का संसार को जरूर सब्सक्राइब करें। म्यूजिक का संसार चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।